आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। मैसूरू में बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने दिया भाषण, बोले कोई भी चीज भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती। तनवीर सेठ विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री मैसूरू, नरसिंह महाराज विधानसभा क्षेत्र का आज 55वां जन्मदिन। अवैध खनन के मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बैंक पासबुक और 33 चेक जब्त किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, खेरसोन इलाके के कस्बों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाया। भारत के एयर स्पेस में घुस गया है बम वाला विमान, पाकिस्तान से आया फोन और दिल्ली में मचा हड़कंप। गुरुग्राम, अखिलेश के बाद शिवपाल यादव भी मुलायम का हाल जानने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कनाडा के श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की भारत ने की निंदा। 4 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का आज जन्मदिन, केजरीवाल बोले सच्चाई की डगर आसान नहीं। मेदांता के CCU में एडमिन है मुलायम सिंह, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। दिल्ली, शराब नीति मामले में गिरफ्तार विजय नायर की रिमांड खत्म, CBI कोर्ट लेकर पहुंची। ईरान से चीन जाने वाले फ्लाइट में बम की सूचना, प्लेन को जयपुर डाइवर्ट किया। आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी राघव चड्ढा ने सूरत में निकाला भव्य रोड शो। जम्मू कश्मीर, छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हुई, 1 की मौत 55 घायल। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होगा उपचुनाव। कोलकाता, संतोष मित्रा चौक स्थित पूजा पंडाल में पुलिस ने बंद करवाया लेजर शो, उमड़ी भीड़ वजह। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव से की बात, मुलायम के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। भारतीय वायुसेना को आज मिलेगी स्वदेश निर्मित लाइन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बेहद शानदार है मोनालिसा का नवरात्रि लुक, ऑरेंज प्रिंटेड साड़ी में अभिनेत्री ने दिखाई देसी अदाएं। बिग बॉस 16 से नॉन स्मोकर बनकर निकलना चाहते हैं साजिद खान, बोले कोशिश करूंगा। वियतनाम ने मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। आलिया भट्ट अवार्ड लेने के बाद दे रही थी स्पीच, लगातार किक मार रहा था बेबी। न्यू शेड ड्रेस में नेहा मलिक हुई बोल्ड, कातिलाना हुस्न देख धड़का फैंस का दिल। केपी न्यूज एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।